हेलो मानी एंड डे फ्रेंड, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल हेमो आर्टमर। आज की इस वीडियो में मैं कोई ऑयल पेंटिंग आपके लिए नहीं लेकर के आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ उन टॉपिक पे जो अक्सर कमेंट आती रहती है बिगेनर्स की और आर्टिस्ट की, कि हम किस तरीके से शुरुआत करें। जो बिगेनर्स होते हैं वो लिखते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कौन सा कलर हमको यूज़ करना चाहिए, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो कमेंट करते हैं कि कौन सा कलर आप यूज़ करते हो, किस तरीके से स्किन टोन जो है बनाते हो। तो सारी कुछ बातें और हमको इस आर्ट लेवल में किस तरीके से पैसे कमाना है और यूट्यूबर पर यूट्यूब पे किस तरीके से काम करना है, तो सारे कुछ टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सारे इन बातों पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी आर्टिस्ट है या जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं तो बचपन से, मतलब 5 साल से इस फील्ड में वर्क करता हूँ पापा के साथ, और जो है पापा का और मेरा दोनों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। क्या बात कर रहा है, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। मैं अभी 2-3 साल से नहीं सीख रहा हूँ, बचपन से सीख रहा हूँ। मैं चैनल अभी बनाया है, बाकी मैं बचपन से इस वर्क में हूँ। सारी कुछ बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। सबसे पहले जो कमेंट आती रहती है कि बिगिनर्स को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत उसको करना चाहिए जो एज ए आर्टिस्ट बनना चाहता है और शुरुआत उसे करना है, तो किस तरीके से शुरुआत करें आर्ट लाइन में। तो मैं बता दूँ उन लोगों के लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को जो है पेंसिल से सबसे पहले वर्क करना चाहिए, और पेंसिल में जो है आप लोगों को स्केचिंग और ड्राइंग में जो है स्टार्ट करना चाहिए, और धीरे 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 उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए ताकि जो भी आपके सामने जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सही तरीके से जो है बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, आइज़ जो आप सही से बना पा रहे हो, नोज़ बना पा रहे हो, या आप कोई जानवर का जो एनिमल्स का स्केच बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, तो वो सही से उसका प्रोपोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सारी कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले पेंसिल में जो है सीखना पड़ेगी, और आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ेगी। और सबसे पहले जो बिगिनर होते हैं वो ज़्यादा समय एकदम से जो है शुरुआत करते हैं और बहुत टाइम जो आर्ट को देना शुरू करते हैं शुरुआत में, ताकि बहुत जल्दी अचीवमेंट ले लें, तो ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा समय अगर दोगे तो आप बोर होने लग जाओगे और आप उस काम को छोड़ दोगे। तो आपको क्या करना है कि पैशन के साथ और दिल लगा के और कुल मिला के इंजॉय के साथ इस काम को करना है। जब आपको मन लगे, जब आपको करना चाहिए कि हम इस समय में कर सकता हूँ इस काम को, उसी समय आप उस काम को करें, और जितना मन लगा के और जितना इंजॉयबल फॉर्म में अगर उस काम को करोगे तो ज़्यादा आपके अंदर जो है क्वालिटी आएगी और अपना आप इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला पाओगे। अगर आप चाहो कि मैं कल आर्टिस्ट बन जाऊँ, तो ऐसा संभव नहीं है। आप मेहनत करोगे, मैंने बताया आप लोगों को मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ, लेकिन अभी मैं परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं बन, परफेक्ट तो कोई नहीं बन पाता है, अभी मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं अच्छा हूँ, क्योंकि ये तो समंदर है, इसमें जितना जो है हम गोता लगाते हैं उतने हमको मोती मिलते हैं। तो जो एज आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको शुरुआत में मेहनत करना चाहिए अपने काम में, और धीरे 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 वो जब पेंसिल में अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद बाकी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एज आर्टिस्ट जो बनना चाहता है शुरुआत में और बिगिनर है, तो उसको पेंसिल से शुरुआत करनी चाहिए। कोई कलर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई कलर पेंसिल भी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक जो आता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि ग्रिड का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें ग्रिड से बनाना चाहिए या फ्री हैंड बनाना चाहिए, दोनों में क्या सही है। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो बोलते हैं, अक्सर मैंने सुना है उनके चैनल पे, ज़्यादा तो मैं देखता नहीं हूँ, पर अक्सर मैंने सुना उनके चैनल पे वो बोलते हैं कि ग्रिड का यूज़ नहीं करना चाहिए और फ्री हैंड ज़्यादा जो है अच्छा होता है। तो मुझे बताओ कि अगर आप एज ए आर्टिस्ट बनते हो और धीरे धीरे आप पेंसिल से अच्छा वर्क करना शुरू हो जाते हो, तो एक जो ग्रिड जो आर्टिस्ट होता है जो ग्रिड से बनाता है वो भी परफेक्ट नहीं बना पाता है, तो एक फ्री हैंड आर्टिस्ट कैसे परफेक्ट बना लेगा, ये आप मुझे इस बात का जवाब दो। कि एक जो इंजीनियर होता है वो भी एक कंप्लीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंप्लीटली मेजरमेंट लेता है, उसके बाद किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करता है। अगर वो फ्री हैंड करने लग जाए कि भाई यहाँ एक थंबा खड़ा कर दो और यहाँ पिलर खड़ा कर दो और इसको कंप्लीटली बना दो, तो क्या वो एक्चुअल में वो बिल्डिंग बन पाएगी, आप खुद सोचो। जब तक हम मैथ्स का यूज़ नहीं करें किसी चीज़ में, तो वो परफेक्ट बनेगी क्या? आपके सामने जो कैमरा लगा हुआ है, जो आप जिससे मुझे देख रहे हो, ये कैमरा एक परफेक्ट मेजरमेंट में बना हुआ ताकि ये कम्प्लीटली शॉर्ट ले, उसमें जो भी चीज़ें लगी हुई कम्प्लीटली मेजरमेंट से लगी हुई, कहीं भी अगर फ्री हैंड अगर यूज़ होता है और फ्री हैंड बनाया जाता है इसको, तो ये उस तरीके से वर्क नहीं करता। हर जगह गणित का यूज़ और मैथ्स का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्री हैंड एक घर पे अगर बना रहे स्केच कर रहे हो जो फ्री हैंड होती है, वो बात अलग है, आप कर सकते हो, उसमें आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आएगी। लेकिन अगर आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो, किसी कमीशन वर्क पे वर्क कर रहे हो, तो उसको आपको ग्रिड से ही बनाना चाहिए। अगर मैथ्स का यूज़ करोगे तो आप सही से उस चीज़ को बना पाओगे। ये उन लोगों के लिए जो पेंसिल अच्छा सा कर पा रहे हैं और बना पा रहे हैं,
और जो है आगे बढ़ना चाहते हैं अपने आर्ट लाइन में, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो जो शुरुआत जो करते हैं उनके लिए ग्रीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो फ्री हैंड ही करें क्योंकि शुरुआत में ग्रीड उनको समझ में भी नहीं आई किस तरीके से ग्रीड करना चाहिए। तो जो एज ए आर्टिस्ट बनते हैं और धीरे 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 इस लाइन में आगे बढ़ते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको ग्रीड से ही, देखो मेरी बात सुनो, जितने बड़े आर्टिस्ट है US के, माइकल जेम्स स्मिथ को आप देखते हो, ऐसे बड़े बड़े लोग भी जो आर्टिस्ट में बड़ा नाम कमा चुके हैं वो लोग भी ग्रीड का यूज़ करते हैं। तो आप सोच लो कि जो बोल रहे हैं कि ग्रीड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ग्रीड से ये होता है वो होता है, भाई साहब गलत बात है। बिना मैथ्स के कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है, आपको मैथ्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सीख रहे हैं वो फ्री हैंड यूज़ करें, जो आगे बढ़ चुके हैं इस लाइन में, जो अच्छा बना पा रहे हैं उनके लिए ग्रीड का मैं सजेस्ट करूँगा, आप ग्रीड बनाओ। मैं खुद ग्रीड बनाता हूँ और ग्रीड से भी परफेक्ट नहीं बनता है तो आप फ्री हैंड कैसे बना सकते, इसलिए ग्रीड का यूज़ बनाओ और ग्रीड जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेने की कोशिश करो और परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। जो व्यक्ति आपको कमीशन वर्क देगा और जो आपके चैनल पे आपको देख रहा है वो ये नहीं देखेगा कि आपने ग्रीड से बनाया या फ्री हैंड बनाया, उसको रिजल्ट चाहिए, समझ रहे हो ना आप बात। जब आप बनाते हो जो मेन रिजल्ट सामने आता है, अगर वो चेहरा मैच नहीं होता है तो बोलता है कि यार मज़ा नहीं आया, मतलब जो पेंटिंग हम बनवाना चाहते थे, जो आर्ट हम करवाना चाहते थे वो नहीं दिखी यहाँ पे। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि आपका मेजरमेंट गलत था, आपने कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करी। तो फिर हम कमीशन वर्क करते तो फिर कमीशन वर्क हमारे पास आता ही नहीं क्योंकि अच्छा नहीं बना था। इसलिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीड का यूज़ करो और ग्रीड से बनाने की कोशिश करो, ताकि मेजरमेंट सही रहेगा तो आपका प्रोपोर्शन सही आएगा, प्रोपोर्शन सही आएगा तो आप सही से जो है फेस को बना पाओगे, सही से उसको ड्रॉ कर पाओगे, पेंट कर पाओगे। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है, हमें कौन सा मीडियम यूज़ करना चाहिए। तीसरा जो टॉपिक है वो है कि हमें कौन सा मीडियम यूज़ करना चाहिए, मतलब हमें पेंसिल वर्क करना चाहिए या हमें कलर वाटर कलर पेंटिंग करना चाहिए, हमें ऑयल पेंटिंग करना चाहिए। तो बहुत सारे मीडियम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ड्राइंग करता है अगर वो पेंसिल में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है या वाटर कलर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है या ऑयल पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है, जिसमें उसका रिजल्ट परफेक्ट आता है, उसको वही मीडियम जो है यूज़ करना चाहिए। जिसमें आप पहले अपने आप को देखो कि आप किस मीडियम में अच्छा कर पा रहे हो। अगर आप पेंसिल में हाइपर रियलिस्टिक बना पा रहे हो या वाटर कलर में अच्छा बना पा रहे हो या ऑयल पेंटिंग में अच्छा बना पा रहे हो, पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तीनों चारों मीडियम, जितने मीडियम होते हैं सब मीडियम प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको कौन सा मीडियम जो सूटेबल होता है। हमको सब मीडियम में नहीं बनाना, ये बात आप सोच लो, समझ लो कि हम सब मीडियम में नहीं घुसें। यूट्यूबर हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हमको कमेंट करते हैं कि आप इसमें बनाओ। देखो, आप शुरुआत करोगे अपने चैनल पे कि मैं वाटर कलर से बना रहा हूँ या मैं पेंसिल से, तो आपको सब्सक्राइबर कमेंट करेंगे कि आप इससे बनाओ उससे बनाओ। अगर आप एक मीडियम में चलोगे तो कोई आपको कमेंट नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, ये आर्टिस्ट जो है इसी मीडियम में बनाता है। तो जैसे कि सोम्स आर्ट को देखा मैंने बहुत बार कि वो अलग अलग तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करता है, किसी कभी वो कैसे बना रहा कभी वो कैसे बना रहा, तो वो बात अलग होती है, वो एक अलग लेवल है। उसमें भी हमको अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक मीडियम पकड़ो उसमें जो है व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं बन पाता है, आप समझ रहे हो ना। अगर आपको ऑयल पेंटिंग करना है, वाटर पेंटिंग करना है, तो उसमें आपको लगातार रिसर्च करना पड़ेगा अपने आप में कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। आपने चूज़ कर लिया कि मैं इस मीडियम में काम करूँगा, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उस मीडियम में मैं कहाँ जो मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आपको मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप उस मीडियम में आगे बढ़ोगे। देखो, एक म्यूज़िक जो आर्टिस्ट होता है वो, आपने मास्टर सलीम को देखा होगा, वो सब बजाना जानता है लेकिन वो क्या करता है, वो गाता है। तो म्यूजिक आर्टिस्ट जो होते हैं ये भी, इनको सब जानकारी होती है अपनी फील्ड में कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट कैसे बजता है, लेकिन उसके बाद भी ये वो हर इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं, वो अपनी पकड़ रखते हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे और किस में ज़्यादा परफेक्ट कर पाएंगे। एक नाम अगर आपको चाहिए इस लाइन में तो आपको एक मीडियम पकड़ना पड़ेगा और उस मीडियम में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मीडियम का भी क्लियर हो गया कि आप सबसे पहले ये चीज़ चेक करो कि आप किस मीडियम में अच्छा कर पा रहे हो, उसके बाद उस मीडियम में मेहनत करते जाओ, स्ट्रगल करते जाओ, आप धीरे धीरे उस मीडियम में परफेक्ट होते जाओ। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, पर अच्छे होते जाओगे। तो चौथे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, किस टाइप की आर्ट हमको करना चाहिए। अभी मीडियम की बात करी हमने, अब किस टाइप की आर्ट, टाइप मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि बहुत सारे जो है पेंसिल में जो है अलग 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 टाइप का आर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई जो है हैचिंग करके करना, हैचिंग करके जो आर्ट करता है, बहुत सारे क्या करते हैं जो पिक्सल जो होते हैं अपने कैमरे के उस टाइप से आर्ट करते हैं, और जो कलर में वाटर कलर है ऑयल पेंटिंग करते हैं उसमें अलग 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 कलर का यूज़ करके आर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट है जिसमें आप अलग अलग अपने माइंड का स्किल यूज़ कर करके और धीरे 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 अपने आप में एक नई इंप्रूवमेंट लाते हो और नई चीज़ करने की कोशिश करते हो, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप उसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी चीज़ आप कर सकते हो। अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करो और आप किस तरीके से आर्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करके या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करके या पेंसिल में अलग 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 स्ट्रोक लगा करके किस तरीके से आप आर्ट कर सकते हो और उसमें आप नई नई चीज़ें कैसे निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
वो फिक्स नहीं होता है कि ये आर्टिस्ट वैसे करता आप भी वैसे ही करो, आप और नई चीज़ निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही ना, कील से आर्ट होती है और धागों से आर्ट होती है, तो ये कैसे निकाली? उन लोगों ने माइंड का ज़्यादा यूज करा और माइंड की स्किल को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि वो एक अलग लेवल पर पहुँच गए। तो आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको नया नाम चाहिए कि मैं अलग तरीके से आर्ट करना चाहता हूं, तो उसमें आप मेहनत करो। आप जिस फील्ड में ज़्यादा मेहनत करोगे उसमें आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, अच्छे उसमें अच्छा गुड कंडीशन आपकी होती जाएगी, अच्छी कंडीशन आपकी होती जाएगी और आप एक नाम उसमें कमा सकते हो। तो टाइप आर्ट भी आप चुन सकते हो, मीडियम आप अलग चुन सकते हो, टाइप आर्ट भी आप चुन सकते हो। आप जिस फील्ड में काम कर सकते हो उसमें आपको पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें आगे बढ़ो। आप अलग अलग काम एक साथ करना चाहते हो कि मैं वाटर कलर भी करूँगा, मैं ऑयल पेंटिंग भी करूँगा, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट भी करूँगा, तो फिर आप मेरे हिसाब से जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पब्लिक नहीं समझ पाएगी। अब यूट्यूब पे काम कर रहे हो या आप अपने घर पे पेशेवर आर्टिस्ट और वहाँ काम कर रहे हो, तो आपको पब्लिक समझ नहीं पाएगी आप किस टाइप का काम करना चाहते हो, करते हो, है ना। एक बात सही है कि शॉप हमारे एक दुकान है उसमें अलग अलग टाइप के हम सामान रखेंगे तो हमारे बिकेंगे, लेकिन आप समझो जनरल स्टोर मतलब जनरल स्टोर, और आप दवा खाना अगर मेडिकल अगर आप ओपन कर रहे हो तो मेडिकल का ही सामान होता है, तो वाली बात है। आप जिस मेडिकल में अगर शक्कर घी तेल रखोगे तो कोई आपके पास आएगा शक्कर घी तेल लेने, आप समझ रहे हो ना। तो ये वाली बात है कि आप जिस फील्ड में अच्छे से काम करो उसमें आप परफेक्ट वर्क करो, ताकि आपका एक नाम हो। दुकान जो है शॉप वो काय की दुकान है, काय की शॉप है, आप क्या वर्क कर रहे हो तो पब्लिक आपके पास आएगी काम कराने के लिए कि भैया व्यक्ति इस तरीके का वर्क करता है, काम करता है, ये जो आर्टिस्ट ऐसे वर्क करता है। तो आप अपनी फील्ड में एक नाम कमाओ, उसके बाद धीरे 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 सोशल मीडिया पे भी चमक जाओगे और जो है आपका आगे धीरे धीरे इस लाइन में एक पेशेवर आपका जो रूप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा। पांचवें टॉपिक में बात करूंगा कि बहुत सारे ये लिखते हैं कि शेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ऑयल पेंटिंग में मैं शेडिंग करता हूँ, शेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। देखो शेडिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। एक शेडिंग वैसी होती है जो मतलब रफ शेडिंग होती है, मैंने बताया अभी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट, तो उसमें रफ़ शेडिंग होती है, उसमें मतलब कलर का यूज़ करना होता है और रफ शेडिंग करनी होती है। एक होती है स्मूथ शेडिंग, समझ रही बात, एक स्मूथ शेडिंग होती है, रफ़ शेडिंग होती है। अब दोनों में अंतर क्या है मैं बता दूँगा आपको। स्मूथ शेडिंग जो होती है वो क्या जो है वहाँ पे रोल प्ले करती है और किस तरीके का आर्ट वर्क आपको जो है देखने को मिलता है वहाँ पे, क्या जो स्मूथ शेडिंग करोगे तो आपका जो लाइट रिफ्लेक्शन है, जो फोटो का लाइट रिफ्लेक्शन है, किधर से लाइट अमिट हो रही है, किधर से लाइट आ रही है, उस फोटो पे कहाँ पे गिर रही है और कहाँ पे डार्क एरिया है, तो अगर आप स्मूथ शेडिंग करोगे और सही से कलर का यूज़ करोगे, यहाँ पे सही से कलर यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन बताना चाहते हो लोगों को और किस तरीके से आपने इस कला आर्ट को बनाया है, तो वहाँ पर हाइपर रियलिस्टिक जिसको बोलते हैं वो अगर आप शो करना चाहते हो अपने आर्ट में, तो आपको जो है स्मूथ शेडिंग करनी पड़ेगी। रफ शेडिंग में भी होता है लेकिन वहाँ भी कलर का जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। आप जो कलर लगा रहे हो वहाँ पे, कलर जो यूज़ कर रहे हो वो कलर सही है या गलत है, अगर कलर में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक आई तो हाइपर रियलिस्टिक नहीं लगेगा। स्मूथ शेडिंग में क्या होता है, अच्छे से आप शेडिंग में कलर मिक्स करते हो, अच्छे से जो आपने डार्क एरिया कलर लगाया और जो लाइट एरिया कलर लगा उसको अच्छे से मिक्स करोगे तो वो हाइपर रियलिस्टिक लगेगा। आप मेरा जो है रिसेंटली मैंने जो अपलोड किया माधुरी दीक्षित की ऑयल पेंटिंग और काजोल देवन की ऑयल पेंटिंग, जो उसमें आप देखना लाइट रिफ्लेक्शन किस तरीके से वहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है, मतलब वो आप फोटोज़ को जूम भी करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाथ से बनाया हुआ है। आप बात समझ रहे हो, मतलब एक आर्टिस्ट इस तरीके से उसको स्मूथ शेडिंग में इस तरीके से शेड देता है कि जब वो उसको जूम भी करोगे ना उस फोटो का, आप इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी हेमोआर्ट @hemoart ऑफिशियल करके उस पर फोटो देख लेना, जूम करना, तो आपको पता चलेगा उसकी क्वालिटी। आर्टिस्ट क्वालिटी का पता चलती है जब उसको फोटो का जूम करते हो तब उसके वो ब्रशेस के स्ट्रोक नज़र आते हैं, ये रफ शेडिंग होती है, ब्रशेस के स्ट्रोक नज़र आते हैं तो लगता है कि हाथ से बनाया हुआ। और एक वो होता है स्मूथ शेडिंग में कि आप कितना ही जूम कर लो अगर आप ये पता कर लो कि हाथ से बनाया हुआ तो फिर क्या आर्ट करिए आपने, थोड़ा बहुत तो लगता ही है अपन इतने परफेक्ट भी नहीं है, पर आप जूम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फोटो खींचा हुआ है, ये किसी कैमरे से डिजिटल आर्ट वर्क है। तो वो होती स्मूथ शेडिंग, आप अच्छे से कलर का यूज़ करो, डार्क और लाइट दोनों अच्छे से कलर का यूज़ करो, दोनों को अच्छे से मर्ज करो, मिलाओ उनको आपस में, तो एक अच्छा इफेक्ट आपको उस पेंटिंग में देखने को मिलेगा और हाइपर रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छे से अगर कलर मिलाओगे स्मूथ शेडिंग दोगे तो स्मूथ शेडिंग का ये मीन्स होता है। रफ शेडिंग में क्या होता है, रफ शेडिंग में लगता है कि ये हाथ से बनाया हुआ, दोनों में ये डिफरेंस है। रफ शेडिंग में ऐसा लगेगा कि एक आर्टिस्ट ने कंप्लीट हाथ से बनाया होगा, और स्मूथ शेडिंग में आप उसमें ये जज नहीं कर पाओगे कि हाथ से बनाया हुआ, दोनों में ये डिफरेंस है। और आर्टिस्ट दोनों तरह के होते हैं और जो जो भी इन दोनों के लवर होते हैं, ये कोई ये आर्ट पसंद करता है, कोई ये आर्ट पसंद करता है, तो अलग अलग टाइप के लोग हैं और अलग अलग टाइप की आर्ट है। छठे टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और वो टॉपिक है जो यूट्यूबर होते हैं। यूट्यूबर मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूबर जो होते हैं वो काम करते हैं अपने हिसाब से और घर के जो पोजीशन वैसी नहीं होती है और यूट्यूब पे आपको पता शुरुआत में पैसा मिलता नहीं है,
तो हम कैसे काम करें ज़्यादा ज़्यादा, हम क्या करते हैं शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे पेज ले आते हैं मार्केट से खरीद के और धीरे धीरे डालना शुरू करते हैं। हमको ये पता नहीं कौन सा वीडियो वायरल होगा हमारा, ये भी हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं बहुत सारे महंगे महंगे पेज यूज़ कर लेते हैं, महंगा कलर यूज़ कर लेते हैं और उसको फिर जो है धीरे धीरे हमको लगता है कि यार अब इतने वीडियो बना दिए, इतना पैसा लग गया हमारा, लेकिन अभी तक हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो हम धीरे धीरे यूट्यूब छोड़ देते हैं कि यार इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, इतना हमारा पैसा भी नहीं है, हम यूट्यूब छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती आपने क्या करी कि इतना पैसा आपने यूट्यूब पहले लगा दिया, इतना पैसा आपको लगाने की क्या ज़रूरत है। देखो मैंने कैमरा जो खरीदा, आप जिससे मेरे वीडियो देख रहे हो, ये मैंने अपने दम पे खरीदा, मैंने अपने परिवार से कोई हेल्प नहीं ली, क्योंकि हमको पता है कि अभी हमको इससे पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन फ्यूचर मिलेगा, हम जानते हैं फ्यूचर मिलेगा, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं ताकि हम लॉन्ग लाइफ चले। तो ये कैमरा जो है ये हम इसका यूज़ हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हम कोई कैमरामैन नहीं है जो हम शादियों वेडिंग में जाके शूटिंग करेंगे तो वो कैमरे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हमारा कैमरा तो क्या है कि दो तीन दिन में शूटिंग करने का मौका मिलता है, तो इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता, इसलिए मैं कैमरा लेके आ गया। लेकिन जब पेपर हम यूज़ करते हैं तो पेपर हम बहुत सारे लेते हैं, पेपर तो रोज़ यूज़ करना रहेगा आपको, रोज़ नई पेंटिंग बनानी, रोज़ कलर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, अगर आप एज आर्टिस्ट हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, मार्केट में 5 रुपये की शीट आती है, ड्राइंग शीट जिसको बोलते हैं, सभी जगह मिल जाती है आसानी से, वो A1 साइज़ में आती है, आपको पता है A1 साइज़ में आती है, बहुत बड़ी साइज़ होती है। तो आप जैसा भी उसमें से पेपर कट करना चाहे, A4 साइज़, A3 साइज़, A2, A1 उसमें से कट कर सकते हैं। और अगर आप वाटर पेंटिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको, उस पेपर को किस तरीके से तैयार करना है ताकि आप उसे वाटर पेंटिंग भी कर सको, ऑयल पेंटिंग भी कर सको। स्केचिंग के लिए वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बाकी वाटर पेंटिंग ऑयल पेंटिंग के लिए वो जो है यूजेबल है। स्केच के लिए तो आपको बड़े मोटे पेपर लाने, जिसका GSM अच्छा होता है, क्योंकि स्केचिंग में इतने पत्ते पेपर नहीं चलते। तो वाटर पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग के लिए ओनली मैं ये बता रहा हूँ। तो आपको पेपर लाना है और उसको कैसे प्रिपेयर करना, आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ओनली 5 रुपीज़ लिखा हुआ है थंबनेल पे, वो वीडियो उसी का है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वो थोड़ा मैं इसमें बता देता हूँ वीडियो में, आपको पेपर को लगा के और आपको उसके ऊपर जो है एक प्राइमर लगाना पड़ेगा और उसमें ऑयल पेंट मिला प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो वो पेपर पे आप चाहे ऑयल पेंटिंग करो चाहे वाटर पेंटिंग करो, एक नंबर मतलब अव्वल नंबर का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पतला पेपर इसका मतलब ये नहीं कि कॉटन मिक्स नहीं है तो पेपर जो है वाटर पेंटिंग से वाटर कलर से जो है धीरे धीरे बैंड हो जाएगा। वाटर कलर में आपको उस पर 2 बार प्राइमर लगाना है, ऑयल पेंटिंग में आप 1 बार लगा सकते हो, वाटर कलर में 2 बार प्राइमर लगा सकते हो उसके ऊपर, ताकि वाटर जो वाटर है उसके अंदर एब्जर्व नहीं हो, बस आपको ये ध्यान रखना है जो पानी है उसके अंदर ज़्यादा एब्जर्व नहीं हो। बट 7वां टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपका चैनल डिपेंड करता है, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर आपका चैनल डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस तरीके से काम कर रहा है। ये इसमें भी आ गया, आप भी आ गए, सब आ गए। यूट्यूब पे कैसे हमको काम करना चाहिए, जैसे मैं ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ तो मैं ऑयल पेंटिंग की वीडियो डाल रहा हूँ। अभी आपको पता है यूट्यूब पे इंप्रेशन बहुत कम जाता है नए चैनल का इंप्रेशन, क्योंकि जो अच्छे लेवल पे बैठे उनका इंप्रेशन तो इतना जाएगा कि 1 घंटे के अंदर हम देखते हैं वीडियो 3 लाख 4 लाख। हम जानते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़े, और उस समय क्या यूट्यूबर कम थे और उस समय जियो एकदम से मार्केट में नया नया आया हुआ था, तब इन लोगों को नए नए सब्सक्राइबर मिल गए और आज ये जिस पोजीशन पे है इनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। ऐसा नहीं, आज की कंडीशन में अच्छा यूट्यूबर भी होगा ना, उसका जो इंप्रेशन जाएगा ही नहीं तो लोग क्लिक कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना। जब इंप्रेशन जाएगा ही नहीं तब लोग क्लिक कैसे करेंगे, वो क्लिक तो होगा ही नहीं ना, इंप्रेशन जाना जरूरी है। अब 1000-2500 इंप्रेशन चला जाएगा कितने लोग देख लेंगे, 100-150 लोग देख लेंगे, ज़्यादा इंप्रेशन नहीं जाएगा तो लोग कहाँ से देखेंगे, कितना अच्छा आप थंबनेल बना लो लेकिन नहीं देखेंगे। तो जैसे मैं हूँ, मेरा भी ज़्यादा इंप्रेशन नहीं जाता है, जाएगा तब वीडियो वायरल होगा, अभी नहीं जा रहा तो नहीं वायरल हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक टॉपिक इस पर लिखा मैंने और इस पर बहुत ज़्यादा थिंक करा है और आप लोगों को शेयर करने की, मैंने अभी तक इस पर काम नहीं किया पर आगे करने वाला हूँ, तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ कि हमको जो है एक यूनिक टॉपिक, हम जो आर्ट करते हैं हमारा और हम अच्छे से आर्ट कर पा रहे हैं, बिगेनर्स के लिए टॉपिक नहीं है, बिगेनर्स जो है उसको पहले सीखना पड़ेगा उसके बाद वो उसमें कर सकता है, बाकी जो सीखे हुए हैं उसके बाद भी उनके चैनल नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक अच्छा तरीका निकाला, मैं भी उस पर काम करने वाला हूँ कि आप ना अपने आर्ट को एक अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करो। जैसे आपने देखा है ना अभी थोड़े दिन पहले कि वो जो आर्ट जर्नी वाले जो वीडियो चल रहे हैं शॉर्ट वीडियो, जिसमें काजोल का और कैटरीना कैफ का, अजय देवगन का और सारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके जर्नी के सब्जेक्ट में बताया जाता है और ओनली शॉर्ट वीडियो है वो, और इतने ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि मिलियंस में उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो उन पर व्यूज़ आने का सबसे पहला कारण तो ये है कि शॉर्ट ज़्यादा अभी प्रमोट कर रहा है यूट्यूब, तो ज़्यादातर लोगों के पास वो वीडियो जा रहा है, ठीक है। अभी मेरे चैनल पे वीडियो शॉर्ट वीडियो 1,18,000 पे, जबकि मैंने उसमें कुछ नहीं, बस इतना बताया है कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देखो और विजिट करो, वो उस वीडियो में मैंने कोई पेंटिंग नहीं करी, उसके बाद भी वो 1,18,000 पे चला गया। वो क्यों गया, क्योंकि शॉर्ट था इसलिए इंप्रेशन चला गया। अब जिन वीडियो में हम मेहनत कर रहे हैं 8-8, 6-6 मिनट के वीडियो बना रहे हैं, उनका इंप्रेशन जा ही नहीं रहा है, तो वो 100-150 पे अटक रहे हैं।
तो इम्प्रेशन जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमको क्या करना है कि हमारे आर्ट को एक अलग लेवल पे ले जाना, जैसा फ्लिप बुक भी आपने देखी होगी, तो वो उनको आर्ट आती है लेकिन वो उस आर्ट को एक अलग लेवल पे लेके चले गए। मतलब कुल मिला के फ्रेम में आप लोगों को कैसे उसको जो है बताना चाहते हो, लोगों को किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहते हो अपने काम से और कम समय में। आपको पता है ज़्यादा टाइम लोगों नए नए लोग आपके चैनल पर देने वाले नहीं है, तो आपको ऐसे पब्लिक को लाना पड़ेगा अपने चैनल पे ताकि लोग आपको समझे कि आप किस तरीके का काम करते हो। तो आपको एक नया जो है तरीका निकालना पड़ेगा अपने काम को करने का, और धीरे धीरे उस तरीके में अच्छे से काम करो। तरीका ऐसा निकालो कि आप उसको शॉर्ट में कर पाओ, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी आपको, शॉर्ट ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप शॉर्ट में उस तरीके को निकालने की कोशिश करो। जो भी आप तरीका अपने आर्ट को लोगों के सामने जो है बताने का और उसको प्रेजेंट करने का जो भी तरीका वे निकाल रहे हो अपने हिसाब से, तो उसको शॉर्ट में निकालने की कोशिश करो, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा वायरल होंगे तो आपके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो एक नया तरीका, जैसे आर्ट जर्नी हो गया, फ्लिप बुक हो गया, ऐसा कोई नया तरीका, एक नया वे थिंक से माइंड में लेके आओ, और वो ये आप ये पहले उस पता करो कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। पहले आप उसको खुद सोचो कि जब ये वीडियो मेरे पास आएगा तो क्या मैं इसको पसंद करूँगा, आज आर्ट जर्नी चल रहा है अभी, फ्लिप बुक चल रहा है, और दो तीन से उसके बारे में डिस्कस करो अपने वालों से। यूट्यूबरों से मत कर लेना, नहीं तो आपका टॉपिक गया तेल लेने, बात ध्यान रखना। यूट्यूबरों से कभी इस टॉपिक पर चर्चा मत करना, नहीं तो आपका टॉपिक पहले ही आप लोगों को अपने सब्सक्राइबरों को और देखने वालों को बता दोगे तो वो आपके टॉपिक पर काम करना शुरू कर देंगे, आप पीछे रह जाओगे। मैं मेरे भी सब्सक्राइब मुझे देख रहे हैं तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में अगर कोई भी मेरा तरीका है वे है तो मैं आपको भी बता दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी और आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। तो मेरा तो गया ना, बिजनेसमैन कैसे होते हैं, बिजनेसमैन अपना तरीका बताते हैं किसी बिजनेसमैन को भी, मैंने तरीका निकालना चाहिए तो मैं गाड़ियाँ बिक जाए बहुत सारी, नहीं बताते ना। इस तरीके से यूट्यूब पर भी है, तो आप जो यूट्यूब पर नहीं है अपने रिलेशन में, अपने परिवार में, अपना फ्रेंड है, उनसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करो कि यार ऐसे तरीके से अगर मैं काम करूँगा तो क्या लोग पसंद करेंगे मेरे को, वो कहते हैं कि हाँ करेंगे, बहुत जोरदार तरीका, ऐसे बहुत सारे के ऐसे ही हवा में बोल देते हैं। तो आप दो तीन चार से पूछो इस तरीके से, तो आपको एज अ रिजल्ट पता चल जाएगा कि ये सही बात है, मुझे करना चाहिए। उसके बाद उस पर काम करो, चाहे इस चैनल पे करो चाहे नया चैनल बनाओ, उस पर काम करो और शॉर्ट में काम करो, बहुत जल्दी आप वायरल हो जाओगे। आप ऐसे बड़े बड़े वीडियो बनाओगे और नहीं होगा और बनाते जाओगे, नहीं होगा बनाते जाओगे, तो आप 10 साल तक यूट्यूब पर काम करोगे ना तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो नए नए तरीके याद करो। आठवें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आठवां और आखिरी टॉपिक है हमारा ये, जो कि है कि बहुत सारे इसमें भी कमेंट किया है बहुत सारों ने मेरे पास कि आर्ट में हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, हम बना तो रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे उसको पैसा आ नहीं रहा है, तो हम कैसे इसमें पैसा कमाएं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी आर्ट जो है स्किल वो कैसी है, आप किस तरीके से आर्ट करते हो, आप एज ए बिगेनर हो, आपसे आँखें सही नहीं बन रही है और आप सोच रहे हो मैं अपनी कला से पैसा कमाऊँ, तो संभव है क्या? जब आपके काम में सफाई नहीं होगी तो आपको कौन बुलाएगा और कौन आपको काम देगा? सबसे पहले आप उस काम को सीखो, उस लाइन में आगे बढ़ो, उसके बाद आप पैसा कमाने की सोचो ना। पहले से पैसा कमाने की सोच रहे हो, जब आपने अभी आंखें बनाना सही से सीखी, और मैं इस पर बहुत सारे ने कमेंट करी कि हम आर्ट अगर सीख जाएँ तो उनको क्या इससे पैसा मिलेगा, कोई प्रॉफिट मिलेगा? मैंने स्कूल में पढ़ाया है बहुत सारों में आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट पढ़ाया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये बात करते हैं कि अगर हम इस लाइफ में आगे बढ़े तो हमको क्या प्रॉफिट है। इस लाइफ जैसे अगर आप पढ़ रहे हो 12th तक करने के बाद आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टरी करते हो, तो उसमें पढ़ रही हो ना, इतने साल आप निकालते हो, 3-4-5 साल 6 साल निकालते हो और उसमें मेहनत करते हो, तो उसके बाद अभी तो आपको पैसा मिलता है डायरेक्टली थोड़ी कि आप कॉलेज में पढ़ो और आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी उस फील्ड में। पहले आप 12th तक बेसिक पढ़ाई आपने कही, उसके बाद आप उस फील्ड में वर्क करते हो, काम करते हो, सीखते हो, समझते हो, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो ऐसा ही आर्ट में भी है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ में, इस लाइन में अगर जा रहे हो तो फाइन आर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप सीखो किस तरीके से काम होता है, अपने काम में इंप्रूवमेंट लेके आओ, एक नयापन लेके आओ, तो लोगों को अपने आप काम, आप जो लोग आपको अपने आप काम देंगे, आपके कस्टमर आपको अपने आप काम देंगे, तो आपको काम मिलेगा। और पेशेवर आप सोशल मीडिया पर उतरे हो तो सोशल मीडिया पर आपको लोग काम देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार नहीं, आप बार बार जब उस चीज़ को अपलोड करोगे तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ को समझेंगे कि ये व्यक्ति किस तरीके से काम करता है और इसका काम कैसा है, तो अपने आप आपके पास वर्क आएगा। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका सोशल मीडिया आपका विजिटिंग कार्ड है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि आप अच्छे से सीखें, समझें, उसके बाद पेशेवर बने, उसका पैसा कमाएं। पहली बार में कभी कस्टमर से ज़्यादा पैसा नहीं लें, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो और जो कस्टमर आपके पास आया पहला कस्टमर तो भगवान है आपके लिए, तो उसके लिए जितना अच्छा हो सके काम उसको देने की कोशिश करें और पैसा कम लेने की कोशिश करें। आपको पता मार्केट में कितना कंपटीशन हो गया है, अगर आप ज़्यादा पैसा मांगोगे और किसी अच्छा आर्टिस्ट ने कम पैसा ले लिया तो वो उसकी तरफ चला जाएगा कि हमको तो वो भैया इतने में बना के दे रहा है और आप इतने में बना के दे रहे हो, आपका काम तो इतना अच्छा भी नहीं है और वो तो इतने कम में इतना अच्छा काम करके दे रहा है, तो वो व्यक्ति उधर भागेगा, आपकी तरफ थोड़ी आएगा।
तो आपको काम भी अच्छा देना है और साथ साथ में पैसा भी कम लेना है, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। और शुरुआत में धीरे धीरे जो कस्टमर आ रहा है उनकी रिस्पेक्ट करो और उनको काम अच्छा करके दो, तो वो लोग 10 लोगों को और बात करेंगे, 10 लोगों को और बताएंगे कि आपका काम किस तरीके का है, तो धीरे 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 आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। शुरुआत हमको शुरू से एक से ही करनी पड़ेगी, वन से ही करनी पड़ेगी, तब जाकर हम सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे। आप सोचोगे एक साथ बहुत सारा काम आ जाए आपके पास, तो ये संभव पॉसिबल नहीं है। सारे टॉपिक पर मैं आज बात कर चुका हूँ और आपको समझा चुका हूँ, इसमें भी कुछ टॉपिक छूट गया है, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस पर अगर आप टॉपिक पर डिस्कस करो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और एज ए आर्टिस्ट हो आप, तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम में मुझसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हो, इतना स्मूथनेस कैसे लाते हो, तो मैं उनसे बात करता हूँ, आप भी मुझसे करोगे, मैं यहाँ से बात करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर मेरे से ना मांगे, क्योंकि मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। आप सीधे इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करें, मैं करूँगा। यूट्यूब पे इतनी बात हो नहीं पाती, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मुझसे जो डिस्कस करनी है वो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था। अगर आपको वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगे और आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई आर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।